नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। हरियाणा में आज यानी 15 अक्टूबर को हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें कि पंचकुला सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बालोद में दीपावली पर्व के पहले 33 केवी लाइन के रखरखाव व मरम्मत कार्य के चलते आज यानी 15 से 19 अक्टूबर तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। बता दें कि रोजाना बिजली बंद की टाइमिंग सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक निर्धारित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष आज यानी 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। बता दें कि ये दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं एवं लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई 2024 सत्र में सभी मास्टर्स, बैचलर्स, पीजी, डिप्लोमा व डिप्लोमा कार्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश सर्टिफिकेट व सेमेस्टर कार्यक्रमों को छोड़ करके अंतिम तिथि आज यानी 15 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 में भाग लेने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 15 अक्टूबर निर्धारित है। बता दें कि ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं, वे अंतिम समय में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। जेपी यूनिवर्सिटी के बीएड पार्ट 2 फाइनल ईयर 2022-24 की परीक्षा का आयोजन आज यानी 15 अक्टूबर से विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज एग्जाम सेंटर में आयोजित होगा। बता दें कि इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एग्जाम सेंटर पर सभी छात्रों को एक घंटा पूर्व में रिपोर्टिंग करनी होगी। बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 14896 समय में बदलाव किया गया है। ये ट्रेन आज यानी 15 अक्टूबर को 12 बजे के बजाय सुबह 10 बजे जोधपुर के लिए रवाना होगी। बता दें कि इससे जोधपुर पहुंचने पर जयपुर और अन्य प्रमुख ट्रेनों से कनेक्टिविटी होगी। सहरसा में स्थानीय मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में शहर में पहली बार भव्य स्तर पर आज यानी 15 अक्टूबर को डांडिया उत्सव होने जा रहा है। बता दें कि डांडिया उत्सव का आयोजन डीबी रोड स्थित रेनबो रिजॉर्ट में संध्या 5 बजे से होगा। सीकर में केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड्स के लिए आईडिया अपलोड करने का अंतिम दिन आज यानी 15 अक्टूबर है। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज यानी 15 अक्टूबर तक भारी बारिश के कोई आसार नहीं है। बता दें कि यूपी के अमरोहा, संभल, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, हरदोई, बरेली, रामपुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ में छींटे पड़ने की उम्मीद है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1686 में मुगल शासक औरंगजेब ने बीजापुर के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1932 में टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत की थी। आज ही के दिन 1949 में त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया था। आज ही के दिन 1952 में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2022 में भारत के प्रसिद्ध जादूगर ओपी शर्मा का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।